हेलो दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो है ये है घुटनों के दर्द की समस्या को लेकर या फिर शरीर के किसी भी जोड़ का दर्द हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या है, आपको गठिया तक की समस्या हो गई है, तो उसका बहुत ही सरल और बेहतरीन उपाय आज मेरे चैनल पर आया है आप सबके लिए। ये उपाय बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय बहुत ही साधारण है, सिंपल है, साथ ही बिना पैसे के आप इसका उपाय कर सकते हैं। ये जो पत्तियाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हैं कनेर की पत्तियाँ। कनेर की पत्तियाँ आपने अक्सर देखा होगा, बाग बगीचों, मंदिरों के आसपास ज़्यादा होते हैं, या फिर कभी कभी लोगों के घरों में भी कनेर का पौधा लगा होता है, और इसकी पत्तियाँ जो हैं औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाई जाती हैं। तो हमारे घर में भी पीले कनेर का पौधा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो पीला कनेर नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि पीला कनेर, मैं किस कनेर की बात कर रही हूँ। तो आपको किसी भी रंग के कनेर का पौधा जो है उसकी पत्तियाँ चाहिए होंगी। ये पत्तियाँ जो होती हैं ये हार्ट के रोग, बुखार, या फिर खून जब हमारा इन्फेक्टेड हो जाता है, या फिर इस तरह के शरीर में किसी भी जोड़ के दर्द की समस्या हो, तो ये पत्तियाँ बहुत अच्छे से काम आती हैं। हमारे शरीर के जब कुछ बाहरी रोग होते हैं, जैसे कोई घाव हो, कुष्ठ रोग हो, या बॉडी में कहीं पर भी सूजन हो, तो इसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसी तरह से अगर आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी है या फिर यूरिन रिलेटेड कोई दिक्कत है, तब भी आप पीले कनेर के पौधे से लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से कनेर की प्रजातियां वैसे बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पीले कनेर की पत्तियाँ यूज़ कर रही हूँ। सफ़ेद जो दाग होता है उसकी भी ट्रीटमेंट हम कनेर से कर सकते हैं, तो उसमें फूल का यूज़ होता है। यहाँ पर जो रेमेडी हम करेंगे वो है पत्तियों के साथ। ये जो पत्तियाँ आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की, लंबी लंबी पतली पतली, तो इसके जो हैं बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप इसका जो है बहुत सारा आयुर्वेदिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो पहला इस्तेमाल हो सकता है वो होता है सिर दर्द में। आप कनेर के फूलों से या फिर कनेर की पत्तियों से सिर दर्द का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो भी आप इसका उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कनेर के पीले फूल आपको दिखा रही हूँ। इसी फूल की पत्तियाँ मैंने ली हैं, और ये फूल आपको अपने घर के आसपास कोई सा भी पौधा होगा जो ऐसे निकल जाता है, तो ये फूल आपने बहुत सारे देखे होंगे। तो यही वाला फूल है जिसकी पत्तियाँ मैंने ली हैं। अगर आपको सफ़ेद कनेर की पत्तियाँ मिलती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप उनका भी उपाय कर सकते हैं। आपके हृदय में अगर कभी दर्द होता है तो पीला कनेर का सेवन करते हैं, उससे लाभ मिलता है। तो हर रेमेडी के लिए अलग अलग तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। यहाँ पर मैं आपके साथ जोड़ों के दर्द और गठिया का दर्द या फिर घुटने का दर्द का इलाज करने वाली हूँ। इसके अलावा आप जो है इससे बहुत सारे सिफिलिस का इलाज कर सकते हैं। सिफिलिस यानी कि जो होते हैं उनमें घाव हो जाता है, उससे भी हम इसका इलाज कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द में कैसे लाभ होता है, जोड़ों के दर्द के लिए हम क्या करेंगे, पहले कनेर की पत्तियों को ले लेंगे और उसके बाद से पत्तियों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। एक पानी इनको वॉश कर लें, क्योंकि इनमें मिट्टी वगैरह हो सकती है। पानी से निकालने के बाद आप इसको किसी ऐसे बर्तन में रख लीजिए जिनमें हम रख कर इनको अच्छा सा बॉयल दे सके। आप किसी कढ़ाई या पैन में भी कर सकते हैं। मैंने छोटा सा भगोना लिया है और अब हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा, हाफ कप पानी, बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि ये पानी जो इसमें एब्जॉर्ब होना चाहिए पत्तियों में। अब इन पत्तियों को मैंने रख दिया है गैस पर, गैस की फ्लेम सिम रखी है क्योंकि पत्तियाँ कम हैं, वो जल सकती हैं, और चम्मच से इनको एक दो बार चला दीजिए। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पर इनको चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे, पानी में उबाल आ जाए तो पत्तियों को उलटते पलटते रहेंगे। और पत्तियों को हम यहाँ पर एक तरीके से कर रहे हैं बॉयल, तो 4 से 5 मिनट लगते हैं जब कनेर की पत्तियाँ उबल कर तैयार हो जाती हैं। इनको 5 मिनट लगेंगे, जब तक पानी इसका हाफ ना रह जाए तब तक आप इसको हल्का हल्का बॉयल करते रहिए। पानी को पूरी तरह से सुखाना भी नहीं है, क्योंकि ये जो पानी है बचा हुआ ये हम आगे इस्तेमाल में लेंगे। तो कनेर की पत्तियों को बॉयल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि पानी भी कम हो गया है, पत्तियाँ भी हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। पत्तियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, बस पत्तियाँ ऐसे ही हल्की सी कड़क रहेंगी। हमें इन्हें इस तरह से 5 मिनट के लिए ही बॉयल करना है। पानी जब हल्का सा रह जाए तब आप गैस को बंद कर दीजिए और इन पत्तियों को छोड़ दीजिए एक बार हल्का सा ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर हमारी पत्तियाँ बॉयल हो गई हैं, इनको मैं छोड़ देती हूँ। अगर आपको दाद की बीमारी है तो उसमें भी आपको कनेर से लाभ मिल सकता है। इस तरह से जो कुष्ठ रोग होता है या फिर जो बवासीर होता है उसमें भी कनेर से हम बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। अब हमारी जो पत्तियां उबल गई हैं इनको पानी समेत हम डालेंगे मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में डालने के बाद आपको अलग से पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ढक्कन लगाना है और इन पत्तियों का बना लेना है एक बढ़िया सा पेस्ट। तो देखिए कनेर की पत्तियों का कुछ इस टाइप का पेस्ट बनाकर हमने तैयार कर लिया है। ये पेस्ट
और जब आप बनाएंगे तो हो सकता है कि बढ़िया से ना पिसे, क्योंकि पत्तियाँ कम थी, ज़्यादा लेंगे तो बारीक पेस्ट होगा। अब इसके बाद से दोस्तों जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो है तिल का तेल। तिल का तेल आपको ही पता होता है कि घुटनों के दर्द में बहुत ज़्यादा राहत देता है। तिल का जो उपयोग करने से हमें घुटने के दर्द से तो राहत मिलती है, क्योंकि तिल के बीज में सेसमिन होता है जो जोड़ों के दर्द को कम करता है और घुटनों को आर्थराइटिस के पेन को कम करता है। अगर आपको इस तरह की समस्या है तो तिल का तेल का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। ये तिल जो होता है हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को ही बढ़ाता है। अगर आप कच्चे तिल का भी सेवन करते हैं घुटनों के दर्द में तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पर मैंने तिल के तेल को निकाला हुआ है एक बोल में, और इतने पेस्ट में हम क्या करेंगे, 2 चम्मच तिल के तेल ऐड करेंगे। तिल के तेल को मिला लेंगे इस पेस्ट में अच्छे से, और ये हमारा जो पेस्ट है वो बनकर तैयार हो गया है। इस पेस्ट को बनाकर आप रख भी सकते हैं, और जब चाहें जब आपको दिन भर में 1 से 2 बार इस पेस्ट को इस्तेमाल करना है। इसमें और कुछ नहीं ऐड करना है, अच्छे से मिला लीजिए। और एक बार में मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि इस पेस्ट का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, और पेस्ट को हमें एक लेप की तरह इस्तेमाल करना है। घुटनों पर, जोड़ों, मन में, शरीर के किसी भी जोड़ों में आपको दर्द हो वहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर आपको अपने हाथों पर ही इसको लगाकर दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हम थोड़ा सा मिक्सर उठाएंगे जैसे चटनी की तरह, और इस लेप को हम फैला लेंगे, अच्छे से फैलाएंगे। जैसे आपने घुटने पर लिया तो घुटने पर अच्छे से फैला कर लीजिए, फैला लेंगे, इसकी एक लेयरिंग से कर लेंगे, और इसको हम छोड़ देंगे 1-2 घंटे के लिए। क्योंकि जब दर्द हो तो इतना तो हम कर ही सकते हैं दोस्तों कि इसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें। और अगर आपको लगता है तो आप इसके ऊपर हल्का सा कपड़ा डाल लीजिए और बस इसको अच्छे से सूखने दीजिए। जब ये 1-2 घंटे में हल्का हल्का सा ड्राई होने लगेगा, बहुत ज़्यादा तो ड्राई नहीं होगा, पर ये क्या करेगा, कनेर की पत्तियों में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारी बॉडी से दर्द को खींचते हैं, एक तरह का पेन किलर का काम करता है। साथ ही तिल के तेल में भी यही गुण होते हैं जो शरीर से दर्द को खींचते हैं। तो इस तरह की लेयर लगाकर आपको इसको 2 घंटे छोड़ना है, उसके बाद से आप इनको हटाकर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ये काम आपको दिन में 1-2 बार तो करना ही करना है। पेन ज़्यादा है तो आप कम से कम 2 बार करिए, और पेन नॉर्मल है आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो दिन भर में 1 बार करिए। आप इसको कभी भी कर सकते हैं दिन में किसी भी टाइम, और उसके बाद से आप देखेंगे कि 8-10 इस्तेमाल के बाद ही आपके घुटनों का दर्द, गठिया का दर्द या फिर जोड़ों का दर्द कम होने लगा है या फिर ख़त्म होने लगा है। ये तरीका बहुत ही कारगर है दोस्तों, ट्राइड एंड टेस्टेड होता है, लेकिन कुछ ये तरीका ऐसा है जो शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो एक बार इसको ट्राई करिएगा अगर आप भी घुटनों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस पेस्ट को बनाकर आप फ्रिज में भी डाल सकते हैं, लेकिन लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये पेस्ट ठंडा नहीं होना चाहिए, इसको नॉर्मल ही लगाना है, तो हो सकें तो बाहर ही रखें। ये पेस्ट बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करता है। इसके अलावा आप अपने खाने पीने में भी तिल की चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से खाना और पीना और लगाना, जो अप्लाई करना, जो दवाइयाँ होती हैं इसके साथ, आप दूध वगैरह का भी ले सकते हैं क्योंकि दूध में भी बहुत सारा कैल्शियम होता है। तो आप जो है ये पूरी रेमेडी ट्राई करिएगा, और आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।